सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुधीर और स्वागत करता हूँ आप सभी को इस टेक्निकल सेशन में। और जैसे आप सबको पता है, आज का जो सेशन है, स्पेशली कल का जो बोला जाता है, कल का जो हमने इस मीटिंग को अटेंड किया था, यस्टरडे जितने लोग भी मीटिंग को अटेंड किए थे, तो उनको ये पता चला कि हम अपने लाइफ को आगे लेके जाना है तो हम किस तरह से रोड मैप तैयार करें। जो सक्सेस अगर आपको पाना है तो किस तरह से जो है हम काम करें, तो उसके ऊपर जो है आज कुछ पॉइंट मैं आप सबको बताने वाला हूँ। वो पॉइंट क्या है, अगर उस पॉइंट को अगर आप अपने बोला अपने ऊपर अगर उतारते हैं, तो हो सकता है जो है आपको काम करने में बहुत ज्यादा इजी हो जाए, आपको सक्सेस होने में। जो बोला जाता ना, सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सफलता का राज क्या है, सफलता का मूल मंत्र क्या है, बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो वो कोई ऐसा नहीं कि जूस नहीं है उसमें, जो है कोई लीडर, कोई अपलाइन या कोई एमडी सीएमडी डायरेक्टर आपको जो है पिला दे और आप सक्सेस हो जाओ। सक्सेस का जो सफलता होता है, सफलता का सीधा एकमात्र उपाय है वो अपने आप को चेंज करना। अपने आप को कौन सा चेंज करना है, वो सारे चीजें जो है आज आप सबको जानकारी मिलने वाला है। और उसके साथ साथ आपको क्या करना चाहिए, आप अपने में समझिएगा। क्या मैं सफलता तो पाना चाहता हूँ, अब मैं यहाँ पे चाहूंगा कितने लोग हैं रियलिटी में ऐसा चाहते तो हैं, मैं देखना चाहता हूँ। क्योंकि आप सबको हर तरीके से सपोर्ट मिलता है, मतलब क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह का करना है, हैंडराइट कैसे करना है स्पेशली, तो उसके ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो बनाया था। उसमें कुछ लोग देखे, कुछ लोग नहीं देखे। अब मैं चाहूंगा कितने लोगों को मेरा आवाज आ रहा है, वो लोग हैंडराइट कर, यहाँ पर पता नहीं आवाज आ रहा है कि नहीं, बट मैं हैंडराइट कर रहा हूँ, मुझे मेरा आवाज खुद आ रहा है। जितने लोगों को मेरा आवाज आ रहा है वो लोग हैंडराइज करें। ज्यादा समय नहीं, और 1 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं। 1 मिनट के बाद स्टार्टअप करते हैं कि हमारा सीक्रेट क्या है सफलता का, कि हम क्या करें जो जल्द से जल्द जो है सफल हो सकते हैं। कुछ कुछ पॉइंट है जो उसको आप अगर अपने आप में उतारते हैं तो बहुत जल्दी सक्सेस हो सकते हैं। क्योंकि जितने भी लोग सक्सेस है ना, तो हर लोगों का जो है, अगर मान लीजिए आप आईटीसी में अगर आप सक्सेस होना चाहते हो, तो आईटीसी में आपको क्या करना पड़ेगा वो बहुत जरूरी है। मतलब इतने लोग हैं, चलिए अच्छी बात है कि कम से कम 80-90% लोग जो है हैंडराइज किए हैं, लेकिन अगर मान लो आप सफल होना चाहते हैं और मीटिंग पे आए हुए हैं, अगर फिर भी हम हैंडराइज नहीं कर रहे, 1% या 2% या 5%, चलो ठीक है 5% तक ठीक है, चलो वो 5% लोग जो है ऐसे ही रह जाते हैं, मतलब सक्सेस होते हैं, और कुछ 5% लोग जो है सक्सेस होते हैं, बाकी रेशियो जो 95 का रहता है। तो यहाँ पे कम से कम इतना तो है, हैंडराइज तो कर सकते हैं ना आप। जिसको अपने आप में विश्वास नहीं है कि मैं सफल नहीं होऊंगा, तो उसको भगवान भी आके दे दे, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला। तो अपने आप में तो सबसे पहले विश्वास करना होगा। इसीलिए ये हैंडराइज में चाहता हूँ कि आप लोग इसको सीरियसली करें कि हाँ मुझे जो है सफल होना है। और तो सफलता के लिए कुछ पॉइंट है, अभी भी देखिए कुछ लोग हैंडराइज किए हैं, कुछ लोग हैंडराइज नहीं किए हैं, कोई बात नहीं, चलिए स्टार्टअप करते हैं। सबसे पहला, आप इससे पहले पॉइंट नोट कीजिएगा, इससे पहले आप क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे वो मायने नहीं रखता है। अगर आप आईटीएसएफ में हो तो कहीं ना कहीं जो चेंजेस होता है, आप जो भी कर रहे थे, जो भी थे वो तो थे, और 2 साल 5 साल 10 साल से शायद वैसे ही रहेंगे अगर उसी चीज को करेंगे। अगर आईटीएसएफ में आने के बाद अगर घर से निकलते हैं, क्योंकि आप हो सकता है ना कोई मार्केट जाता है या कोई सब्जी लाने जाता हो या चावल लाने जाता हो, कुछ भी चीजों के ऊपर, तो आप किस तरह से जो है घर से निकलते हो, स्पेशली अगर मार्केट जाते हो कुछ काम से, तो आप किस तरह से आपका ड्रेसअप होता है, आप कैसे थे, मायने नहीं रखता। अगर कोई ऑफिस वगैरह में काम करते हैं उसके लिए तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि अपने आप में चेंज होना, लोग जब तक बोलता है ना, जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखेगा वही बिकेगा। अगर आपका 2 साल पहले भी वैसे ही थे और 5 साल बाद भी वैसे ही थे, तो क्या लगता है वो लोग आपसे कुछ पूछेंगे? क्योंकि हमारा बिजनेस है लोगों तक पहुंचाना, तो लोगों को कैसे, आप खुद ही पहुंचाओगे कब तक? लेकिन अगर आप अपने आप में चेंजेस करते हो, जैसे मान लीजिए ड्रेसअप में हो गया, जैसे अगर आप हो सकते हैं धोती कुर्ता पजामा और गंजी वगैरह पहनते हैं, या जींस हो गया, उसके बाद जैसा टी शर्ट वगैरह होता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा अगर जल्द सक्सेस होना है ना, तो आप फॉर्मल को ज्यादा यूज करें। फॉर्मल मतलब शर्ट और पैंट को, इसीलिए जो हमारा प्रीमियम सूट लेंथ है और उसके साथ साथ जो नैनो फैब्रिक पैंट शर्ट है, ये सब क्यों डाला हुआ है, ताकि आप उसको लो, उसको यूज करो। हमें जो
जो है आगे लोगों तक जो है ना अपने आप को, ये पहले बोला जाता है ना, कोई भी आपको, आपसे अगर कोई बिजनेस करना चाहता है ना, अगर आप किसी को बता रहे हो तो वो किसी को नहीं देखेगा, ना कंपनी को जानता है, ना कंपनी को जानता है और ना किसी के इनकम को उसको उससे मतलब है। आपको जानेगा सबसे पहले कि आप क्या हो, आप कैसे हो और आप क्या करते हो, वो सबसे पहले देखेगा, सबसे पहले तो आपको। तो अगर आप में कोई चेंजेस नहीं होगा, जो बोला जाता है ना, आप में अगर कोई चेंजेस नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है वो आपके साथ नहीं आएगा। तो वो अपने आप में सेल्फ अगर देखा, जैसे अगर मान लीजिए अगर कहीं आप बाहर निकलते हो, आप देखे हैं डॉक्टर, डॉक्टर को क्या, शक्ल सूरत तो इंसान ही है ना। अब आप व्हाइट कोट आपने देख लिया, जो आप जानते हैं डॉक्टर का जो होता है, जो उसका ड्रेसअप होता है, वकील का होता है, पुलिस का होता है, ट्रैफिक पुलिस का होता है, बहुत सारे चीजें, तो आपको पता चलता है ना कि हाँ ये जो है पुलिस है, ये जो है वकील है, ये जो है डॉक्टर है, उसके ड्रेसअप से पता चला। आप सोचिए, आपको अगर मान लो कोई फुरपाती करने मन कर रहा, पुलिस का ड्रेस देख लिया तो बस वही पे हवा बोलना। तो ये होता है पावर। अगर आप डिसेंट रहोगे, मतलब ड्रेसअप के साथ फॉर्मली रहोगे, तो उसमें लगे कि हाँ ये कुछ जो है अच्छा करता है। तो ये एक पहला पॉइंट है जो आपको हर वक्त जो है, आपको इसको जो है ध्यान देना चाहिए घर से निकलने से। दूसरा चीज है, नहीं है तो ले सकते हैं, ठीक है, नहीं है तो लेना है ना। अब जब भी आप मीटिंग पे अटेंड करोगे, शॉर्ट शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि आपको अगर मान ली एग्जाम्पल के साथ बताऊं तो बहुत लंबा 3 घंटा का सेशन हो जाएगा, मैं शॉर्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ। कभी भी अगर आप मीटिंग अटेंड करते हो तो जाहिर सी बात है सीखने समझने के लिए अटेंड करते हैं। तो दूसरा पॉइंट है कि आपके पास, हर बार बोला जाता है, हर बार बोला जाता है कि आपके पास डायरी होना चाहिए। डायरी नहीं है तो वही 10 20 50 रुपए वाला कम से कम एक जो है कॉपी जो होता है ना उसको ही रखने, क्योंकि होता क्या है, कुछ कुछ पॉइंट जैसे मैं अभी जो बताया उसमें से कुछ अच्छा लगा होगा या समझ में आया होगा कि हाँ ये मुझे करना चाहिए, तो उसको नोट नहीं करोगे ना, आपके माइंड से हट जाएगी। यहाँ पे अगर देखा जाए आपका माइंड जो है कब तक काम करेगा, जब तक मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, कान में सुन रहे हो, दिमाग में घुस रहा है, लेकिन आप थोड़ा देर बाद हो सकता है भूल जाओ, लेकिन अगर आप नोट डाउन करोगे कि हाँ ये चीज है, जब उसको देखोगे ना तो वो क्या होगा कि वो रिवाइंड हो जाएगा और आपको समझ में आएगा कि हाँ ये चीजें हैं जो मुझे करना चाहिए। आपको जो भी अच्छा लगता है उसको डायरी में नोट करें। अब प्लान आपको समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा, प्लान में कहाँ कंक्लूजन है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कितने लेवल तक का प्लान है, लेवल इनकम कहाँ से जनरेट होता है, कितना डायरेक्ट में कितना लेवल जनरेट होता है, रिपर्चेज किस तरह से मिलता है, कहाँ पे शो करता है, मतलब हर एक चीजों को आप नोट डाउन कर सकते हो। तब तक नोट डाउन करते रहे, ये तो जिंदगी भर नोट डाउन करने की बात है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट की बात करें, वो होता है आपका डिसिप्लिन। हम जो सिस्टम में काम कर रहे हैं, क्या हम डिसिप्लिन जो है अपने ऊपर ले रहे हैं? अब जैसे मीटिंग का टाइम दिया जाता है 8 बजे, मीटिंग का टाइम दिया जाता है 3:30 बजे, तो क्या हम वो टाइम को मेंटेन कर पा रहे हैं? बिजी हैं, दुनिया में बहुत सारे बिजी हैं, सारे लोग बिजी हैं, लेकिन हमें करोड़पति बनना है। कहाँ से? ITSF से। बिजी हम दूसरी जगह में हैं, लेकिन हमें बनना है करोड़पति यहाँ से, तो क्या पॉसिबल है? डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, और सबसे पहला डिसिप्लिन जो बताया जाता है कि आपको सब कुछ पाना है, आपको घोड़ा गाड़ी बंगला सब चाहिए है ना, लेकिन हैंडल्स नहीं करेंगे। तो सोचिए, हमको सब चाहिए तो जो रूल रेगुलेशन है, जो आपको अगर कोई क्वेश्चन रहेगा कि मुझे ये चीज जानना है, आपको अपना अपलाइन बता ही नहीं रहा है, आपको समझा ही नहीं रहा है, आपको क्या, उसको खुद भी नहीं पता, तो बेचारा करेगा क्या? पर ये जो हमारा टेक्निकल सेशन होता है, यहाँ पे होता क्या है, आपको हर एक चीजों के बारे में बताया जाता है। जब आप हैंडराइज नहीं कर पाओगे, अब हैंडराइज नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है आपको मौका नहीं दिया जाएगा, जब मौका नहीं दिया जाएगा तो आप बोल नहीं पाओगे, जब बोल नहीं पाओगे तो समझोगे कैसे, और समझोगे नहीं तो कभी कुछ होगा नहीं, सबके लिए ही। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए, रिस्पेक्ट की बात करें, रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका अपलाइन हो या आपका डाउनलाइन, क्योंकि हमारा जो बिजनेस होता है ना, कि अपलाइन कमा रहा है, डाउनलाइन कमा रहा है, कमाए कुछ नहीं देखना है, कि हम क्या कर रहे हैं वो सिर्फ मायने रखता है। आप जो भी करोगे ना, आप अगर अपलाइन का पूरा कर रहे हो जैसे भी डाउनलाइन के साथ, तो आने वाले टाइम में वो डाउनलाइन भी आपके लिए बुरा करेगा। आप जैसे करोगे, आप मास्टर कॉपी हो, आप अपने जो बोलते हैं ना, जो पहला कॉपी होता है मास्टर कॉपी बोलते हैं, उस मास्टर कॉपी हो आप। अब जो भी निकलेगा आपके माध्यम से, आपके पास नॉलेज नहीं है, जो बोला जाता है ना, अब बोला जाता है जो दारू पीते हैं उसका जो फ्रेंड सर्कल होता है, आप देखेंगे वो पियंकड़ ही होगा,
जो जुआ खेलते हैं उसका जो है जुआड़ी लोग में ही फ्रेंड हो, ऑटोमेटिक ऊपर वाला जो है माइंड ऐसा सेट करके रखा लोगों का, कहीं ना कहीं से बोल रहे ना, कहीं ना कहीं से जुआड़ कर ही लेंगे वैसे ही लोगों को। संगत जो होता है वो संगत ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगर आप ही अगर मान लीजिए आप नॉलेज नहीं ले रहे हो, मीटिंग पे अटेंड नहीं कर रहे हो, वीडियो नहीं देख रहे हो, मैसेज भेजा जा रहा है, क्या मैसेज ग्रुप में आपको ऐड किया हुआ है, और ग्रुप में ऐड करने का मतलब क्या है, ग्रुप में नाचना थोड़ी है, मुजरा थोड़ी चल रहा है, वहां पे जो भी मैसेज आता है, एक एक मैसेज एक दिन में 500 मैसेज आया, क्या करना है, आदमी जो है बाथरूम जाता है ना तो भी मोबाइल लेके जाता है आज के टाइम पे, तो आप तो वहां पे भी देख सकते हो क्या फोटो है, क्या वीडियो है, क्या ऑडियो है, सारा का सारा चीज, कोई एक पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, छूट गया मतलब हम भी छूट रहे हैं। तो ये क्या है कि आपका ग्रुप में अगर किसी ना किसी के माध्यम से ग्रुप में ऐड किया है, सेम मैसेज आ रहा है तो कोई बात नहीं, उसको जो है आप स्किप कर सकते हो, बट अगर उसमें कोई चीज अगर आपको भेजा है, जिसने भेजा है कितना मुश्किल से भेजा होगा, आपने तो कभी भेजा नहीं, जो लोग देखते हैं अपडेट देते नहीं है, आप सोचिए आपने क्या भेजा, लेकिन कोई अगर भेज रहा है तो यार इतना मैसेज आता है। अब मैसेज आने से मतलब क्या है कि उस मैसेज को करना क्या है, उस मैसेज को आपको पढ़ना है, सुनना है और अपने स्टेटस में डालना है, अपने लोगों को जो है वहां पे भेजना है। अब पार्ट की अगर बात करें ना डिसिप्लिन में, और एक चीजें हैं, वो चीजें क्या है कि आपको अगर ग्रुप में ऐड किया है, आप बिजनेस को अगर आप प्रमोट नहीं करोगे, अपने बिजनेस को अगर आप मान लीजिए प्रमोट नहीं कर रहे हो, तो आप अपने ग्रुप में अभी तक, चलिए एक ले रहा हूं मैं, ये चाह रहा हूं कितने लोग ऐसे हैं जो लोगों को डेली अपडेट मिल रहा है अपलाइन की तरफ से, सुनिएगा पहले, कितने लोग ऐसे हैं जिसको अपलाइन के तरफ से अपडेट मिल रहा है, वो पर्सनली हो या उसके ग्रुप में हो, इसमें भी देखिए हैंडल करने में बड़ी लेट लगता है, सुन रहे हैं तो कम से कम इतना तो है, रिप्लाई करना जो है यही हैंडल्स और हैंड डाउन में ही होता है और दूसरा कुछ नहीं, एक्टिविटी आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं जो यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ गला सूख रहा है, क्या फायदा है मेरे उसमें, कुछ नहीं, बस बोल रहा हूँ, मेरा काम है बोलना, काम क्या है, मैंने जिम्मेदारी लिया है कि हाँ मुझे और मेरे में जितना भी हो सके मैं करूँ, और कुछ नहीं, यही जिम्मेदारी आपको लेना है जितना हो सके, बाकी नहीं लेंगे तो मेरा क्या जाएगा, आपके ऊपर है, आपका बिजनेस आपके जैसा ही बढ़ेगा जैसा आप सोचोगे। इतने लोगों को जो है, इतने लोगों को अपडेट मिलता है, ठीक है 50% बस, आप कितने लोग हैं रियल बताइएगा, अपना खुद का ग्रुप बनाए हैं, सुनिएगा पहले, नहीं तो नहीं, ईमानदारी से अभी तक नहीं बनाए हैं, बनाए हैं अलग बात है, अच्छा एक मेंबर है जिनको नहीं मिलता है, बढ़िया मिल जाएगा अभी मिल जाएगा तुरंत, कितने लोग ऐसे हैं जो खुद का ग्रुप बनाए हैं, खुद का बहुत जरूरी है, खुद का ग्रुप बनाने का मतलब आप अगर आईटीएसएम में ज्वाइन किए हो, आपने ज्वाइन किया आपको पता है क्यों ज्वाइन किए हो, लेकिन आप अगर अपने बिजनेस को आगे नहीं पहुंचाओगे, स्टेटस सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टेटस अभी जो है वहां पे कुछ नाम आ रहा है, अलग नाम आता है, वो अलग नाम क्या है थोड़ा देख लेता हूँ, ध्यान से उतर गया है, हाँ अपडेट ही लिखा हुआ, अपडेट और अपडेट में लिखा, अपडेट लिखा हुआ, वाह स्टेटस लिखा हुआ था पहले, अभी अपडेट लिखा हुआ है, मतलब आपका अपडेट क्या है, स्टेटस मतलब वही औकात होता है हिंदी में, ठीक है वही कि आप क्या करते हो, जो बोलते हैं प्यार मोहब्बत करते हैं वो प्यार मोहब्बत वाला डालते हैं, जो लोग नेतागिरी करते हैं वो नेतागिरी वाला डालेंगे, आप क्या करते हो वो आप डालो, कोई दिक्कत, देखने वाले देखेंगे, आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में तो बहुत सारे लोग होंगे जो लोग जो है देखने वाले हैं, तो ये जरूरी है। अब इतने लोग जो है अभी भी 50% लोग जो है ग्रुप बनाए हैं, बाकी लोग ग्रुप बनाए ही नहीं है और चाहते हैं हम आगे बढ़ें कैसे, तो कोशिश कीजिएगा ग्रुप बनाने का, और ये बताने वाली चीज नहीं है, आपका बिजनेस है तो आपको ही देखना पड़ेगा, बस अप्लाई तो सपोर्ट कर सकता है, गोदी में भी ले जा सकता है, लेकिन बहुत कम लोग होंगे, और इसके बाद जो बोला जाता है ना बिजनेस के ऊपर जानकारी मिलता है, बिजनेस के ऊपर जानकारी कहाँ से मिलेगा, कहीं ना कहीं वही हमारे मीटिंग के माध्यम से, तो मीटिंग में डेली अटेंड करना है और जो भी क्वेरी है जो भी क्वेश्चन है फटाफट क्लियर करना है, कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। और अगर बात करें तीसरा होता है डिजायर, इच्छा, आपका इच्छा जो है आपके ऊपर है, आप कितना कमाना चाहते हो, कल का मीटिंग किसी के ऊपर था आधारित, जो डिजायर के ऊपर था कि आप आज के टाइम पे कितना आपका इनकम है, आज का टाइम पे आपने कितना मेहनत किया, पूरा का पूरा 1 घंटा लिया गया, इसके ऊपर आज के दिन पे आपका कितना इनकम है, वो आपका सैलरी भी जोड़ लो, आप अगर जॉब वगैरह करते हो ना और जॉब के साथ साथ इसको कर लो, इसको भी जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है,
इसमें क्या है, आज मान लीजिए आपने 10 लोगों से बात किया या 5 लोगों से बात किया या 2 लोगों से बात किया या बात ही नहीं किया, कोई टेंशन नहीं, बात नहीं किया तो और बढ़िया, एकदम कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए आपने कितने लोगों से बात किया, किसी से भी बात नहीं किया। अब आपने पोस्ट कितने लोगों को किया, अब पोस्ट कितने लोगों के किया ये भी मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं पोस्ट करता ही नहीं हूँ। डर लगता है, शर्म लगता है, क्या बोल देगा क्या बोल देगा। शर्म शर्म और शर्म, शर्म तो जिंदगी में नहीं करना है, जो किया शर्म उसके फूटे कर्म, क्योंकि जिंदगी में शर्म करना बिल्कुल मतलब गुनाह है मेरे लिए। तो अब जैसे अगर देखा जाए, आज जितना आपने काम किया, आपको अपने आप में ये इच्छा कैसे जगाना है, जैसे वो मोटिवेशन करना, मोटिवेशन क्या होता है, क्या होता है ये मोटिवेशन, होता है क्या, कोई आके बोल दिया हम फूल गए गुब्बारे जैसे, और आके कोई पिन कर दिया तो बस हम चल जैसे कहते हैं। आप मोटिवेशन अपने आप से जो है, अपने आप से मोटिवेशन हो सकते हैं कि मैं जिंदगी में क्या कर रहा हूँ, और क्या यही मेरा जिंदगी में है जो मैं चाहता हूँ, वो हो रहा कि नहीं हो रहा है। मोटिवेशन वगैरह कुछ नहीं है, आप अपने घर वाले में जो बोलते हैं ना कि आप अपने परिवार को क्या स्थिति में देखना चाहते हो, क्या वो स्थिति में है घर वाले। अगर जो इंसान अगर जिंदा है ना तो उतना तो सोचेगा ही, मतलब जिंदा रहते हुए हम लोग मुर्दा है, कुछ लोग जिंदा तो है नहीं, कोई बात नहीं, जो है ठीक है, ऊपर वाला जिंदा रख दिया, हाथ पांव मुंह कान सब सही है, कोई टेंशन नहीं है, इतना सोचने से कोई बात नहीं, वो लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो जो लाइफ को आप जी रहे हो उससे बेहतर करना, तो कहीं ना कहीं सीरियस होके जो है अपने आप को स्ट्रोंग बनाना पड़ेगा, और अपने आप को स्ट्रोंग बना के आपका जो काम है ना उसको बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप 2 लोगों से डेली बात करते हो तो 4 लोगों से बात कीजिए, कल का टारगेट जो है ना वो एक्स्ट्रा होना चाहिए ही चाहिए। आज बहुत सारे लोग जो है, अगर देखा जाए आज अगर मान लो 100 रुपया इनकम है ना, 10 रुपया आज इनकम है, तो कल के टाइम पे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए और कुछ भी हो जाए, कल का सेशन के ऊपर मैं बता रहा हूँ, ये स्टेप बाय स्टेप है कि ये आज अगर मेरा 10 रुपया इनकम है, एक हफ्ते के अंदर कुछ भी हो जाए मेरा 100 रुपया का इनकम होना है तो होना है। 100 रुपया नहीं होने से भी 10 रुपया है तो कम से कम 50 रुपए के इनकम होना है तो होना है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ये आपके पास ये कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ये नहीं होगा जो चल रहा है तो बस चलते ही रहेगा, कोई टेंशन नहीं, किसी को जितना चलाना है चलाइए। लेकिन अगर आप चाहते हो आज से बेहतर लाइफ, हमें आगे चाहिए, 6 महीना में हमें बेहतर लाइफ चाहिए, 1 साल में बेहतर लाइफ चाहिए, लेकिन हम कल के लिए नहीं सोचेंगे कि आज हमने जो किया वो हम कल करेंगे कि नहीं करेंगे वो हमें पता नहीं। तो क्या होगा, आज से 2 साल पहले जहाँ पे थे, जो लोग ITSF में नए नए ज्वाइन किए हैं या अदरवाइज कुछ भी कर रहे हैं, 10 10 साल 20 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो कर ही रहे हैं, हो सकता है 2 5 हजार रुपया बढ़ गया, चलो बड़ी बहुत बढ़िया, पहले 20 हजार मिलता था, 50 हजार रुपया मिल रहा है। लेकिन आप सोचो पहले, आज से पहले 10 12 साल पहले जो चावल का रेट था नॉर्मली जो है वो 10 15 रुपया था, आज के टाइम पे वही 45 रुपया हो गया, वो बढ़ रहा है, वो भी तो दिखना चाहिए बस। हाँ पहले हमारे जो है ना 10 12 हजार रुपये पेमेंट था, 50 हजार हो गया खुश, लेकिन सारा चीज का तो बढ़ रहा है ना, सारा चीज का जो इनकम है, सारा चीज का जो प्राइस है वो बढ़ रहा है। तो ये है कि आप अपने काम को बढ़ाइए, 24 घंटे ये सबके पास, इसी 24 घंटा में अगर आप काम को बढ़ा दोगे तो आपका इनकम यहाँ पे जो दिख रहा है, कुछ लोग देखिए टाइम वही है, टाइम वही है, कोई 3 महीना के अंदर, यहीं पे बहुत सारे लोग हैं जो 3 महीना के अंदर पर डे का 30 रुपया इनकम नहीं हो रहा है, और कुछ लोग ऐसे हैं उसी 3 महीना के अंदर 3 हजार भी कमा रहे हैं, यही 3 महीना के अंदर। 2 महीना की बात करें, अपने काम के ऊपर है, आपका बिजनेस कौन देखने वाला है, आप जानोगे, सिर्फ और सिर्फ आप। अब बात करते हैं जो है, जो अभी डुप्लीकेशन क्या है, जो इससे पहले मैंने बताया था, आप एक मास्टर कॉपी हो, आप जैसा करोगे ना, आप जैसा करोगे आपके लोग भी वैसा करेंगे, आपको हर दिन का काम जो है आपको दिखाना पड़ेगा। जैसे एक बहुत गजब का एक मैसेज था, मतलब एक स्टोरी बताया था, अभी याद आया मुझे, उस स्टोरी क्या था, आपने सुना होगा, मिलन सर बताए थे कि एक जो है छिपकली होता है, और छिपकली जो है ना वो छत में जो है, छत में चिपका रहता है। अब वो छिपकली का जो होता है वो सोचता, मैंने ना इस छत को जो है ना मैंने रोक के रखा हुआ है, मैंने जो है ना संभाल के रखा हुआ है, मैं अगर हट जाऊं तो क्या होगा, मैं हट जाऊं ना तो ये दीवार जो है ना, छत जो है वो टूट जाएगी। ये कब सोच में आता है पता है, जब आप काम नहीं करते, जब आपके लोग जो है ना, आपके लोग जो है, जब ये सोचना चालू कर दे तब समझ जाइए कि आप एकदम गधे हो, सीधा
आप गधे हो कि आप काम नहीं करो, आपके लोग जो है आपने उसको ज्वाइन करा दिया, छोड़ दिया, बेचारा मेहनत तो करना चाहता है, वो अपने हिसाब से मेहनत करा, तब वो बोल सकता है कि ऐसा है कि मैं हूँ, तब वो इसका इनकम कर रहा है। लेकिन आप ऐसा काम करो कि वो बोलने से पहले वो सोचे कि मुझे किसके जैसा काम करना है, मेरे अपलाइन जैसा काम करना है, वो कभी उसके माइंड पे ना आए। आप एक पेड़ बन जाओ, अगर एक टहनी भी टूट जाए ना, जैसे बोला ऐसा ना, इतना अपने आप में कैपेबिलिटी कैपेसिटी अपने आप में लाइए कि अगर 100 लोग मेरे पास, अगर मान लो मेरे मुझे छोड़ के चले जाते हैं, तो मैं 1,000 लोगों को ला सकता हूँ। ये कैपेसिटी आप अगर अपने अंदर ला देते हैं ना, तो किसी का आगे आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कैपेसिटी आप खुद ही ला सकते हो, वो सिर्फ सीख के। हमारे पास क्या चीज का कमी है, आप सोचो ना, किसको मोबाइल चलाना नहीं है, किसको जो है सेहत ठीक करना नहीं है, किसको पैसा नहीं है, सब कुछ तो है हमारे पास, फिर भी आगे नहीं बढ़े, तो कहीं ना कहीं हमारा कमी है। हम प्लान दे ही नहीं रहे हैं और चाहिए पैसा, हम जो है घर से निकल ही नहीं रहे हैं, हमको चाहिए पैसा, हम प्रमोशन कर ही नहीं रहे हैं और हमें चाहिए पैसा, मतलब चाहिए सब कुछ लेकिन करना कुछ नहीं चाहते। ठीक है, तो ये जो है चाहिए तो करना पड़ेगा, नहीं तो बस जो चल रहा है चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा है वैसे ही है। अब अपने आप में जो टारगेट के ऊपर ये जो बताया था कितने दिनों में आपको चाहिए, ये आपको तय करना पड़ेगा। ये तय कौन करेगा कि मुझे 6 महीना में चाहिए, तो 1 महीना का टारगेट लीजिए, जो अभी मैंने बताया डिजायर के ऊपर, कि आज मेरा 10 रुपया इनकम है, तो मैं 2 दिन का कम से कम ये चाहूंगा कि कम से कम 2-4 लोग जो है हमारे साथ आए, मेरे साथ आए या मेरे टीम के साथ आए। आपका बड़ा टीम है तो टीम को गाइड कीजिए, आपका भी ये नहीं कि बस टीम को ही गाइड करना है। जब तक आप नए लोगों से बात नहीं करते हैं, जब लोग बोलते हैं ना कुछ लोग, सर जब पैसा आएगा ना तब मैं उठा दूंगा, एकदम खतरनाक टाइप का काम करूंगा और 10 नहीं 50 100 500 कर दूंगा, बस मेरा पैसा आ जाए। आप सोचो हमारे सिस्टम में ऐसा डिजाइन किया गया है कि ज्वाइनिंग करते ही वो एक ज्वाइनिंग भी ना लगाए, दो तरफ से पैसा आता है। सबसे पहला 10 रुपये 20 पैसा पहले आता है, और दूसरा जो है प्रोडक्ट ले लिया तो नॉन वर्किंग जो हमारा सुपर क्लब इनकम है वहां से आता है। पैसा तो आ रहा है ना, जितना हैसियत है उतना तो आ रहा है, और हम कर क्या रहा है, 1,000 दे के क्या कंपनी को बहुत बड़ा काम कर दिया, अपलाइन को बहुत बड़ा काम कर दिया। जितना हमारा है उतना हमारा आ रहा है, पैसा आ रहा है। लेकिन कुछ लोग बोलते नहीं, अगर मेरा अगर थोड़ा ज्यादा होता तो मजा आ जाता, ज्यादा आता, दिखा के काम करते। लेकिन आप सोचिए जब किसी का इनकम हो जाता ना, ना वो दिखाएगा, अरे कोई बात नहीं टीम काम कर रहा, अपने को टेंशन नहीं, टीम काम कर रहा ना, टीम से पैसा आते रहेगा। उस समय मौका है, उस समय और मौका है कि आप जो मेहनत कर रहे थे उस समय आपको 100 गुना मेहनत करना पड़ता था, लेकिन रिजल्ट 1 गुना आता था, लेकिन वो जो वक्त होगा ना, 100 गुना का जो मेहनत होगा 1% आएगा, लेकिन थोड़ा सा अगर आगे बढ़ जाते हो तो आपका मेहनत 1% होगा, लेकिन आपका जो ग्रोथ होगा ना वो 100 गुना होगा, 99। मतलब आप सोचिए, आप 1% मेहनत करोगे, आपको रिजल्ट जो है 99% का रिजल्ट आएगा। तो वो आपको तय करना जो है अपने आप में बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत जरूरी, मतलब बहुत जरूरी, ये सब कुछ पॉइंट था। ठीक है, इनको देखिए, इनको पता नहीं है, एक बार रिसीव कर लेते, अच्छा नहीं, चलो समझ में आ गया होगा। मतलब हर चीज को मैं दो दो बार प्रमोशन किया हूँ, एक बार भी नहीं, बाकी कौन कहाँ प्रमोशन कर रहा हो आपके ऊपर है, कौन कहाँ प्रमोशन कर रहा आपके ऊपर है। मेरा काम है आप तक पहुंचाना, आपका काम है अपने तक पहुंचाना। आप सब मैं ही करो तो वो पॉसिबल नहीं है ना, कुछ लोग ग्रुप में मुझे ऐड कर देते हैं, सर ये ग्रुप भी है ना अपना ही है, इसमें भी थोड़ा डाल देना, ऐसा में काम नहीं होगा। जिसको मैंने जो है इस बिजनेस पे लाया, मैं उन तक पहुंचाऊंगा, हो सके ब्रॉडकास्ट के माध्यम से, हो सके ग्रुप के माध्यम से, लेकिन उनका भी तो कुछ काम है, क्योंकि वहां पे जो लोग हैं वो मुझे थोड़ी जानते हैं, मुझे नहीं जानते हैं, पहला वो मुझे नहीं जानेंगे, वो आपको जानेंगे, आपका एक्टिविटी देख के ना वो बोलेगा ये कर क्या रहा है जो डेली प्रमोशन करता है। जो लोग लेट हो रहे हैं ना, आपको लगता होगा कि मैं 1 महीना मेहनत कर रहा हूँ, कुछ लोग ऐसा है जिन लोग बोलते हैं मेरा तो फेस वैल्यू नहीं है, मेरा तो सुनते नहीं है लोग, मैं तो यहाँ किया करके वहां करके बदनाम हो चुका हूँ, एकदम बदनाम हो चुका हूँ। क्या बदनाम होते हैं पता नहीं, पैसा सबको चाहिए, उसको भी चाहिए, लेकिन हम बदनाम हो चुके हैं। मैं वहां पे प्रमोशन करूंगी तो मुझे बहुत शर्म लगता है, अब शर्म से जो है बोला जाता है ना, ओहो चलिए कोई नहीं, तो वो सोचने की जरूरत नहीं है। आपका काम जो है वो आप प्रॉपर तरीके से आप करते रहो, आपको खुद नहीं पता चलेगा आपका बिजनेस किस तरह से ग्रोथ होगा। आप 1 महीना मेहनत, आप कुछ लोग ये क्या करते हैं, ग्रुप बना लिए, बस 2 दिन सुना, अब मीटिंग वीटिंग सुना, 2 दिन बताया, 2 दिन धुआं, मतलब इतना खतरनाक टाइप का मैसेज करेगा और ग्रुप वाले को बैठने नहीं देगा, एकदम चूहा देगा।
तब तक मैसेज करेगा, 2-5 दिन बाद देख रहा है सर, एक भी ना आदमी सुन नहीं रहा है, एक भी आदमी जो है ना देख नहीं रहा है, एक आदमी भी मैसेज नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अब उसके बाद मैसेज करना बंद, उसके बाद मैसेज करना बंद। आप सोचिए, आप एक बिजनेस कर रहे हो, आप एक दुकान खोले हुए, एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, कपड़ा का ले लो या स्टोर ले लो, मोबाइल दुकान ले लो, कुछ भी ले लो। कपड़ा का एग्जाम्पल सबसे मस्त होगा, आप दुकान खोल रहे हो, अब वहां पे कपड़ा आपका बिक नहीं रहा, 2-5 दिन नहीं बिका, तो क्या करोगे? दुकान बंद करके घर में रहोगे? खोलना पड़ेगा ना, वो टाइम हमें देना है। आप सोचिए, एक जो स्टोर होता है ना, जिसको बोलते हैं राशन दुकान जो होता है, वो लोगों को देखता है, हाँ ये लोग घर में, अगर देखा जाए आपके अगल बगल में चाय दुकान हो गया, या स्टोर होता है जो उसको बोलते हैं किराना दुकान जो बोलते हैं, आपने देखा हो हर गली हर चौराहे पे आज के टाइम पे मिलता है, मिलता है, ये आपको पता है। पैसा जो बोलता है उसका बिजनेस है, सेल्फ बिजनेस है, जितना काम करेगा उतना मिलेगा। आप सोचिए, आप उठते हो कितना बजे पता है? 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, क्योंकि हम तो भाई बड़े आदमी है ना, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। आप उठ रहे हो 8-9 बजे, क्योंकि अगर मान लीजिए आपका ड्यूटी है सेकेंड शिफ्ट या नाइट शिफ्ट है, नाइट शिफ्ट होगा तो कोई यानी उसको उठा नहीं सकते, लेकिन आप सोचिए अपने आपको उसके जगह पे आप रख के देखिए, वो भी उठता है करीबन 4 बजे उठता है, झाड़ू उड़ू मारता है, उसके बाद नहा धो के पूजा पाठ करके 5, 5:30 बजे रेडी। अब उसके बाद वहां पे काम कर रहा, 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 नहीं भी काम कर रहा, बैठे रह रहा है वहां, बैठ के रह रहा है, ऐसे नहीं पॉकेट में नहीं, दुकान खोल के बैठ के रह रहा है, और रात को करता है 10 बजे बंद। क्या आसान है? वो काम आसान है? बहुत सारे ऐसे काम है जो बहुत 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 हार्ड है, और यहाँ पे हमें सब कुछ चाहिए, लेकिन हम अगर अपने आप में एक्टिविटी नहीं करेंगे, हम अपने आप में काम नहीं करेंगे। यहाँ पे जो बोला जाता है ना, BCC 1 जो हमारा है, ICC 1 है, ICC 2 है, यहाँ पे लोग एंट्री तो ले लिए नहीं। अब वही दिमाग में क्या है बता रहा हूँ, मैं इतना समझ पा रहा हूँ, क्योंकि आज तक के सिस्टम में जो है ना, खुल्लम खुल्ला प्रमोशन किया जाता था, आप ना 2,000 रुपये लगाओ और 1 करोड़ रुपया आपको मिलेगा, बैठे रहो आराम से, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 लगा दो और आपको यहाँ पे ना 2-2 करोड़, 5-5 करोड़ आपको 1 साल में मिलेगा, 2 साल में मिलेगा, कहाँ से मिलेगा पता नहीं, आज तक किसी को मिला है? कोई रिकॉर्ड है? किसी के पास भी कोई सिस्टम नहीं है। मैं भी देख रहा हूँ 12 साल से नेटवर्क मार्केटिंग को, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, बस जो है बोला जाता है, ऑटो पुल आएगा आएगा आएगा, तब तक कंपनी कहाँ जाएगा वो पता नहीं। यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है आपकी आंखों के सामने, इनपुट टू आउटपुट। अगर यहाँ पे कोई बैठ रहा है तो अगर किसी को लाएंगे तो उसका भी तो भला होगा और आपका भी भला होगा, यहाँ पे बनना हर कोई चाहता है। यहाँ पे किसी का बोला है, बार बार बोलूंगा ये चीज, किसी का बाप दादा जो है रख के नहीं गया 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया, कुछ नहीं रखा है। यहाँ पे जो हमारा काम हो रहा है उस काम के ऊपर नॉन वर्किंग मिलेगा, लेकिन आप सोचिए हमारे पास, हमारे हाथ में ना वो ताकत है कि हम अपना इतिहास को रच सकते हैं 25,500 के ऊपर। जो ये आना है और जिसको लाना है, ICC 1, ICC 2 जो दिया हुआ है, ये एक माध्यम है कि आप जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक इनकम आएगा, 1 करोड़ 17 लाख 13 हजार रुपये मिलेगा। आप सोचिए, आपको 1 करोड़ रुपये दे दे तो आप क्या कर लोगे? जिंदगी सवर जाएगा क्या 1 करोड़ में? कुछ लोगों का सवर जाएगा जिसका सोच ही छोटा है। अब 5 करोड़ का अगर गाड़ी चाहिए तो क्या होगा? कुछ होगा, 1 करोड़ में क्या होगा? उसका टायर भी नहीं मिलेगा, सोच के ऊपर है। अब वो उतना छोटा ही अगर सोचेंगे, नहीं 1 करोड़ मिल जाएगा ना, बस बस हो गया मेरा कल्याण, क्योंकि मैं जिंदगी भर काम करूँ तो 40-50 लाख मिले, यहाँ पे तो बस 1,000 रुपया दिया हूँ, बाकी रिपर्चेस कर रहा हूँ, अब मुझे मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं, बस हो जाएगा, दुनिया को दिखा दूँ। यहाँ पे आपका मेहनत भी देखना चाहिए, ऊपर वाला जो है ना, और ये सिस्टम तो ऐसे ही खतरनाक है, मतलब आप एक्टिव नहीं रहोगे ना, आपका पूरा टीम खत्म हो जाएगा और पूरा का पूरा इनकम खत्म हो जाएगा, समझ में भी नहीं आएगा। आपका एक्टिविटी 100% चाहिए ही तो चाहिए। ऐसा डिजाइन तो आपको बताऊं, जो लोग बोलते हैं ना निकम्मा नालायक, जितना भी जो बोलो कुछ समझते नहीं है, बस बस क्या करते हैं, बस हमें मिल जाएगा तो हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिविटी करके 2 से 4 महीना काम कर लीजिए, नहीं तो बस वो जो 40 साल है ना काम करते करते निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। मतलब आप सोचो, 4 महीना दिल से काम करना है या 40 साल दिल से काम करना है, डिपेंड आपके ऊपर। आपको 4 महीना काम करना है दिल से, या आपको 40 साल जैसे काम करे वैसे ही करना है, और 4 महीना काम करके आप 40 साल बैठ कर खा सकते हो, तो वो 4 महीना आपके ऊपर है, वो 4 महीना कब दे रहे हो? अगर जो लोग टाइम नहीं पाते हैं ना, टाइम नहीं मिलता, मेरे पास टाइम नहीं, तो उसको बोल के कोई फायदा नहीं है।
टाइम तो 24 घंटा है, 24 घंटे में आप निकालो थोड़ा सा और जानकारी रखिए हर चीजों का। नहीं पता है अपलाइन है, अपलाइन नहीं बता पा रहा, उसके अपलाइन है, उसके अपलाइन नहीं बता पा रहे, उसके अपलाइन है, अपलाइन तो अपलाइन जाइए, तो कंपनी का नंबर है, सीधे ही कॉल कीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बताओ या किसी सपोर्ट लेना है बताओ, बता के देगा। हालांकि यूट्यूब पे सारा वीडियो अपलोड है, जानना चाहेंगे तो सब कुछ जान सकते हैं, कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो आप नहीं जान पाओगे, ठीक है? तो जान पाओगे, आधा घंटा मैंने समय लिया। अब रिव्यू के ऊपर है, रिव्यू के ऊपर मतलब क्या है, अब जो मैंने बताया ना, इसमें से कितने लोग सच में जो है ना अपने आप में जो है अपने आप में इसको अमल करते हैं, अब देखूंगा मैं, ऐसे नहीं, देखूंगा कितने लोग ऐसे हैं। मैं चाहता हूं 2 महीने के अंदर जो है इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, हेंडाइस हेंडाइस हेंडाइस, 2 महीना के अंदर वाला बोल रहा हूँ। हाँ मैं बोला ये बाद में मीटिंग के लास्ट में बताऊंगा, ठीक है? अभी 2 महीना के अंदर कितने लोग ज्वाइन किए हैं वो हेंडाइस चाहिए मुझे, 2 महीना के अंदर, क्योंकि नए लोगों को से ही पुराने लोग बनते हैं। पुराने लोग क्या, सिर्फ समय पार होगा और क्या करेंगे, कुछ नहीं, समय ही पार होते रहेगा और पार होते रहेगा, वो समय रुकेगा ही नहीं किसके लिए भी। डब्ल्यू डब्ल्यू क्या है ये, चलिए डीके नाम का है सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है, अपना सेल्फ अनम्यूट करें, थोड़ा सा बात कर लेते हैं 2-4 लोगों से, तब पता चलेगा रियलिटी है क्या। बोला जाता है बस, हम तो बोल ही रहे हैं। जी हेलो, जी नमस्कार सर जी। नमस्कार सर जी, दीपक बोल रहा हूँ। जी दीपक बोल रहे, जी वेलकम सर। अभी तो हाल फिलहाल में ज्वाइनिंग हुई मेरी, 10-9 तारीख को शायद हुई थी। 9 तारीख को आपने ज्वाइनिंग किया, ठीक है? मैं सिर्फ शॉर्ट में पूछूंगा, रियल में बताइएगा कि आप अपने ग्रुप में आप पोस्ट करते हो, आप आ नहीं, ग्रुप सकते में हो, तो ग्रुप आपने बनाया अपना खुद का? नहीं करता हूँ। ग्रुप बनाया था लेकिन कुछ लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे तो मैंने ग्रुप हटा दिया। अभी कोई ग्रुप है आपका? 10 दिन 10 दिन हुआ आपका, तो आपको क्या लग रहा है, ग्रुप बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए, ग्रुप बनाना भी चाहिए, और थोड़ा टीम सपोर्ट का जरूरत था मुझे। लेकिन अब जो डायरेक्ट ज्वाइनिंग हुई है तो टीम सपोर्ट तो मुश्किल है, लेकिन मेहनत खुद ही करना पड़ेगा। कर रहा हूँ पर लोग बिलीव कर नहीं पा रहे हैं। अब बिलीव नहीं करेंगे तो देखिए, अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, अब उसके घर तक जाना पड़ेगा मुझे, हर एक घर तक जाऊंगा, कुछ दिन बाद होगा हर घर जाऊंगा, यहाँ पे जितने मीटिंग में है ना, जितने भी मीटिंग में है, कोई घर नहीं छूटेगा, कोई भी कोना में रहे, इंडिया पे कोई भी कोना में रहे, ऐसा भी दौर आएगा, मैं नहीं, मेरे साथ साथ कई लीडर हैं जो लोग जो है 2-5 लाख रुपए कमा रहे महीने का, वो सारे लोगों को वो मौका मिला कि हर एक गांव, हर जो स्टेट सिटी से लेके सब जगह जाना है, लेकिन तब तक हम मेहनत तो कर ले थोड़ा थोड़ा, ताकि जो है कुछ टीम बन जाए, ताकि और ज्यादा जो है एक ही साथ ग्रोथ हो। स्टार्टिंग लगेगा, स्टार्टिंग क्या होता है, थोड़ा मेहनत करके 15-20 का टीम बना लेता हूँ, उसके बाद मुझे सपोर्ट चाहिए, थोड़ा मीटिंग वीटिंग चाहिए यहाँ पे। हाँ जरूर जरूर जरूर, बेशक जरूर सर, और BCI 2 में तो सर मेरा हो गया था, लेकिन उसका कैलकुलेशन मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। ओके। BCA2 का कैलकुलेशन समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, ये तो प्लान प्रेजेंटेशन मीटिंग में जो है बताया जाता है, बाकी आज का जो स्पेशल, आज का जो है स्पेशल, मैं सिर्फ ये जो है हाउ टू वर्क जो है डेली वर्क के ऊपर जो है मैं जानकारी लेना चाह रहा हूँ, कल हो सके तो आपके ऊपर जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे, क्वेश्चन क्वेरी जो होते हैं वो कल रखूंगा, उसमें आपको मैं खुल के बताऊंगा क्या होता है क्या होता है क्या होता है, ओके? जो भी पार्टिसिपेंट है आज के टाइम पे, आप क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन नोट डाउन कर सकता हूँ, कल उसको मैं जो है उसी के ऊपर बात कर सकता हूँ, बाकी अगर एक्स्ट्रा अगर क्वेश्चन होंगे तो वो भी आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है? जी, ओके चलिए, थैंक यू। और नेक्स्ट आएंगे कृष्णा कुमार, कृष्णा कुमार सर मैंने आपको अनम्यूट किया है, अपना सेल्फ अनम्यूट करें, कृष्णा कुमार सर मैंने आपको अनम्यूट किया है, अपना सेल्फ अनम्यूट करें। जी चलिए कोई बात नहीं, ओके।
अच्छा मेरे ही काम नहीं कर रहा, ऐसा क्या हो गया? नेटवर्क वो तो ठीक है ना? बिल्कुल सही है। दो विकेट दो गिरे विकेट गिरे। हैं, एक ओके, मेरा आवाज आ रहा है? जो भी कोहोस्ट है थोड़ा सा रिप्लाई करें। निर्मल सर, रीना मैम। जी सर, आ रहा है आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ओके ओके, बिल्कुल क्लियर आ रहा है सर। नो था तो मैं खुद ही डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके कृष्णा कुमार सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है, अपना सेल्फ अनम्यूट करें। चल अच्छा रहा है लेकिन सभी से अभी भी नाव चल रहे हैं, बाद में चेक चलते करते हैं। हेलो चेक करते हैं, चेक हैं। करते हैं। हैंडराइज के हैं, बाकी अपने मौज में है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, मजा लेते रहे, जिंदगी का मजा इतने में ही। अभी और कोई है जो 2 महीना नहीं, 3 महीना के अंदर जो है ज्वाइन किया है? 3 महीना की बात कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम आपका है। 3 महीना क्या, वो 3 साल भी करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो जितना टाइम दे रहा है जिसके ऊपर। आज अगर ITSL में टाइम दे रहा वो मायने रखते हैं, जो बताया ना, यही 3 महीना के अंदर कोई 30 रुपए भी कमा रहा है, यही 3 महीने के अंदर 3 हजार भी कमा रहा है, वो फर्क है कि आप टाइम कितना दे रहे हैं। रामनिवास कुशवाहा सर, रामनिवास सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है, अपना सेल्फ अनम्यूट करें जी। जी सर, थोड़ा सा परिचय दे सभी साथियों को, ताकि आपके बारे में पता चले, तभी आपके बारे में पता चलेगा तो लोगों को जानकारी हो मेरा नाम सकती निवास कुशवाहा रीवा से बोल रहा हूँ सर। है। ओके रीवा जी सर, की पिछले 19 सितंबर को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी सर, तो मैं सर सितंबर, डायरेक्ट BCA 2 में गया था। अच्छा 19 सितंबर को आपने ज्वाइन किया था? जी सर, अच्छा 19 सितंबर, बहुत खुशनसीब हैं, क्योंकि 18 सितंबर को क्या हुआ था पता है आपको? नहीं सर, 18 सितंबर नहीं पता है, जो हमारा विश्वकर्मा पूजा था 17 को, 18 तारीख को जो है जी ना, 18 तारीख को जो है आपके लिए तो वो तो है कभी जिंदगी में नहीं भूलने वाला चीज, हमारा आईमार्ट लॉन्च हुआ था, है ना? तो मुझे जी लगता है जिस दिन आईमार्ट लॉन्च हुआ उसके दूसरा दिन आपने ज्वाइन किया, बहुत बढ़िया। अब मैं ये चाहता हूँ, सर, आपने जो ज्वाइन किया जी सर। तो आपको कौन सा ग्रुप से जो है आपको अपडेट मिलता है? अपडेट वगैरह मतलब मैसेज वगैरह कौन से ग्रुप से आता है? सर ये रामदयाल सर हैं, राम नरेश सर। राम दयाल सर है तो ओके, उसके माध्यम से आपको मैसेज आते हैं। ओके सर, आपने कितना ग्रुप बनाया है? मैं सर एक बनाया हूँ अपने यहाँ, अपने मतलब 30-40 लोगों का है, जो खास खास लोग हैं। नहीं, आप व्हाट्सएप पे कितने ग्रुप बनाए हैं? एक ही ग्रुप बनाया हूँ सर, उसमें तो 30-40 लोग हैं, उसमें मतलब रोज शेयर करता हूँ अपनी अपनी बातें सर। अच्छा, देवेंद सर हैं। नहीं, वो नहीं, वो नहीं, मैं बोल रहा हूँ प्रमोशन ग्रुप, जो आपके टीम है वो तो है प्रमोशन के लिए। जी नए लोग चाहिए ना आपको? जी सर, नए लोग जितना होगा तभी तो आपका इनकम बढ़ेगा। उनकी लिस्ट बनाया 25 लोगों की सर, तो उन्हीं से मिल रहा हूँ अभी। तो अब तक मैं मतलब जानकारी मेरी पूरी हो गई है, लगभग 1 महीने तक जानकारी लिया हूँ, कुछ लोगों से मिला हूँ, 2-3 लोग ज्वाइन करने के लिए बोले थे सर। तो अभी कल बुलाए तो कल उनको फोन लगाया तो बोले कि समस्या आ गई, तो आज जाने वाला हूँ शाम को सर। अच्छा, मतलब हाँ मैं उतना जानता हूँ कि आप लोग जो है, जैसे रामदयाल सर हो गए, उसके जी राम राम कृष्णा सर भी है ना साथ में? नहीं सर, वो देवेंद कुशवाहा देवेंद्र है सर। कुशवाहा, राम नरेश है ना नाम, राम नरेश सर? जी सर, अब एक दिन आए थे फॉलो करने। हाँ, ओके ओके, ठीक है, चलिए बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से अपडेट जो है अपने आप में रखें, क्योंकि जो बातों से ही कॉन्फिडेंट पता चलता है कि हाँ आगे बढ़ सकता है। कुछ लोग जो है बातों से ही घबराते रहते हैं, अब घबराएंगे तो क्या, आदमी जो है ना घबरा दोगे तो समझ लो बोलेगा हाँ ये तो कुछ पता ही है नहीं इसको, आ गया हमें प्लान दी। पहले खुद तो सीख लो, फिर आ जाना। चलिए विनय कुमार जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, वेलकम। विनय कुमार सर, मैंने आपको अनम्यूट किया, अपना सेल्फ अनम्यूट करें। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रहा है? नेटवर्क, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा नेटवर्क को आज हो सकता है, डाटा भी है नेट। आपका बिल्कुल क्लियर सुधीर सर, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसी कोई दिक्कत होती है तो हम लोग आपको अपडेट देंगे। अवश्य
अच्छा विनय सर का तो वही सब दिक्कत है। चलिए और 10-15 मिनट है, अब मैं चाहूंगा यहाँ पे ये कर दे रहा, म्यूट कर दे रहा हूँ सर को। थोड़ा सा नेटवर्क तो इशू है मेरे में, क्योंकि काम नहीं कर रहा है मेरा माउस। कोई नहीं, और कुछ टाइम है 15 मिनट, तो अभी रिव्यू लेते हैं आज के मीटिंग के ऊपर। क्योंकि होता क्या है, जिस दिन हम लोग क्या है अपना प्रॉब्लम को देखते रहते हैं, जो बताया जाता है उसको फोकस करते नहीं है। प्रॉब्लम तो होते रहेगा, लेकिन फोकस क्या है कि आज जो सिखाया गया है उसमें से क्या चीज जो है आपको अच्छा लगा। तो मैं चाहूंगा जितने भी लोग हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं इस मीटिंग पे अटेंड, मैं यहाँ पे जो है ना चैट बॉक्स ओपन कर दे रहा हूँ। ओपन नहीं करूंगा, मैं ओपन नहीं करूंगा, इसको बंद करूंगा, तभी समझ में आएगा कि मैसेज बॉक्स किया किधर। अच्छा यहाँ पे ना मैं यहाँ पे इसको बंद कर रहा हूँ, और बंद करके आप लोग मैसेज कीजिए कि आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, और वही मैसेज कीजिएगा जो उसको पूरा नहीं कर रहे। मैंने आज तक आपने क्या क्या किया, जो भी मैंने पॉइंट बताया उसमें से आप 100% श्योर हो कि वो आप कर रहे हो? नहीं समझ में आ रहा होगा। जो भी मैंने आज बताया, जो हम मैंने आधा घंटा 30 मिनट जो है उससे ज्यादा ही हुआ होगा, 3 मिनट ज्यादा था, जो भी है 2-4 मिनट की बात है, जो भी मैंने बताया उसमें से आप जो है क्या 100% आप उसको अमल कर रहे थे अपने लाइफ में? डिसिप्लिन, प्रमोशन, और क्या क्या था, स्टेटस, नेक्स्ट क्या क्या आपको लगा, जो बेटर लगा वो भी कर सकते हैं कि हाँ ये मुझे बेहतर लगा। डिसिप्लिन सही है, प्रमोशन सब ही सही है, डेली जो है अपना। अच्छा वो 30 मिनट लेट ही आ गए, कोई बात नहीं, वीडियो देख लीजिएगा, ग्रुप प्रमोशन एंड फॉलो, बढ़िया। और क्या क्या अच्छा लगा अपना अपना, जो आपको अच्छा लगा ये सारे पॉइंट में। पॉइंट तो सारे चीज अच्छे हैं, कुछ लोग इसको जो है, अच्छा मेरा स्पीच ही अच्छा लगा, क्या बात, थैंक यू। और क्या क्या, सबसे पहले तो मैं बोलूं एक डायरी पेन लेके जरूर बैठिएगा मीटिंग पे। ये सब जो है ना, ये प्रमोशन वगैरह ठीक है, ब्रॉडकास्ट ग्रुप, ये सब शेयरिंग वेयरिंग जितना भी होता है, स्टेटस पे डालना, ये सब डिसिप्लिन प्रमोशन सब सब कुछ हो जाएगा। डायरी लेके बैठे वो तब समझ में आएगा कि हाँ ये सारा चीज था, ये अपने आप में उतारना है और कुछ नहीं। अच्छा डेली लोगों से बात करें, अच्छा डेली रहन सहन पे बदला, हाँ हाँ सही है। हर चीज को नोट डाउन करना, मैं जो भी पॉइंट आपको लगे अच्छा कि हाँ ये मुझे आने वाले समय में जो है ये सपोर्ट करेगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए बढ़िया, अब एक बार जो है एक्सपीरियंस के ऊपर मैं चाहूंगा, ठीक है, जो भी पार्टिसिपेंट है, नए हो पुराने हो, जिसको भी मीटिंग के अकॉर्डिंग बोलना है, ये सारी चीजें जो है जो लोग मैसेज कर रहा है, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग, प्रमोशन, डेली वर्किंग, ठीक है, ये तो डेली वर्किंग के ऊपर मैंने बता दिया। आपको क्या बेहतर लगा आप लोग अभी स्पीच देके बता सकते हो, तो हैंडराइज करें अगर आपको एक्सपीरियंस शेयर करना है तो मीटिंग के अकॉर्डिंग। और कोई, अभी 2 लोगों से 3 लोगों को ले सकता हूँ, फिर कल भी होगा, परसों भी होगा, डेली होगा, फिर अगर हो सके तो प्लान प्रेजेंटेशन भी होगा अलग अलग लैंग्वेज पे। हाँ चलिए सबसे पहले सुन लेते हैं रामा शंकर पासवान सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है, अपना सेल्फ अनम्यूट करें। जी नमस्कार सर जी। नमस्कार सर जी। सबसे तो पहले इस मीटिंग का शीर्षक ये था कि सफलता का राज क्या है। ये मेन पॉइंट था। मेन पॉइंट क्या था, सफलता की राज क्या है। इसके बाद हम मीटिंग के दौरान ये भी सुने कि पहला पॉइंट कि अपने आप को चेंज करना बहुत जरूरी है। इसके बाद उस चेंज में क्या क्या आता है कि हम यदि घर से निकल रहे हैं तो किस हालात में, किस ड्रेस में, क्या कुछ चेंजेस कर कर हम बाहर जा रहे हैं,
क्यों? क्योंकि अगर आप 10 साल से या 5 साल से वो कुछ भी कर रहे हो, लेकिन 2 महीना या 1 महीना या 6 महीने में अगर ITSF में हो, आप वर्क कर रहे हो, तो लोग आपके अगल बगल जाने या ना जाने, लेकिन कुछ चेंजेस करके आप जाओगे तो लोग आपको डेली देखते हैं, और जब देखते हैं कुछ चेंजेस तो लोग आपसे जरूर क्वेश्चन करेंगे। आई एम राइट सर? ये मीटिंग में था। इसके बाद तीसरा पॉइंट था कि हम जब भी मीटिंग में बैठे तो पेन और डायरी के साथ बैठे, ना जाने कि कौन सी शब्द ऐसी है जो हमारे दिमाग से स्लिप कर जाए। तो ये सारी जो जो पॉइंट अच्छी लगती है इसको बराबर नोट करना चाहिए। चौथा पॉइंट था कि हम जो कुछ भी रहें डिसिप्लिन में रहें। इस डिसिप्लिन का मतलब ये हुआ कि अगर 3 बजे से मीटिंग स्टार्ट है तो 3:30 बजे नहीं। डिसिप्लिन का मतलब ये हुआ कि ग्रुप में आप एड है, सीनियर से जो कुछ भी मैसेज फॉरवर्ड किया जाता है वो जूनियर को जरूर फॉरवर्ड करें। इसके बाद आपने आप में एक मिशन बनाए, एक गोल बनाए, एक टारगेट बनाए, और उसको नोट करके और कहीं ना कहीं चिपका दिया जाए कि आपका वीकली या डेली मिशन क्या है, और फिर उसको चेक कीजिए उस मिशन को हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या हम उस पर वर्क कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो हमें और उस पर कितना वर्क करना पड़ेगा। थैंक यू सर। ओके हाँ, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है इस तरह का जो है अपने, अगर आप जब तक बोलेंगे ना तो वो माइंड में और ज्यादा सेट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सुन लेते हैं इम्तियाज अंसारी सर से। वेलकम सर। जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। जी सर, अनम्यूट करने के लिए थैंक यू। और मैं मीटिंग में तो स्टार्टिंग से हूँ, बट कभी सुन पा रहा था कभी नहीं, क्योंकि मैं भी काम पे हूँ। आप मेरा ड्यूटी टाइम सब आपको पता ही है जी। तो बाकी आपकी बताए हुए बातें पर तो अमल करता हूँ और करते रहूँगा, और जो भी अपडेट है ग्रुप से मिल जाता है, कुछ डाउट रहता है तो आपसे भी पूछ लेते हैं, और काम तो अच्छा चल रहा है अभी। जी, इस पॉइंट में आपको क्या सबसे बेहतर लगा जो आप नहीं सर कर रहे थे? ऐसा जी कुछ जी जो इसमें से कुछ आप नहीं कर रहे थे, कुछ काम ना सब कर रहे थे? सर मीटिंग में एक्चुअली मैं हूँ स्टार्टिंग से, लेकिन कभी मैं सुन पाता था कभी नहीं सुन पाता था, क्योंकि हाँ जो कस्टमर आ जाते थे तो कभी साइड में भी मोबाइल करना पड़ता था, ओके बढ़िया। चलिए मैं एक चीज पूछना है चाहूंगा, ना? जो जॉब है जी सर। आपका, ठीक है, आप कहाँ से हो, कहाँ पे जॉब करते हो? क्योंकि मुझे पता है सब चीज पे, चाहता हूँ कि लोगों तक पहुंचे, और ये प्रूफ भी हो जाए जी जी क्योंकि यूट्यूब पे रहेगा ये सारा वीडियो, तो देखने में भी मजा आएगा, समझने में भी मजा आएगा कि है ये था। तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा अपने बारे बताएं कि आप कहाँ से हो और कहाँ पे जॉब करते हो। जी बिल्कुल सर। मेरा नाम इम्तियाज अंसारी है और मैं भी झारखंड से हूँ, और मैं अभी हैदराबाद में स्टे करता हूँ, जॉब करता हूँ। ज़्यादा दिन यहाँ पे नहीं हुआ है और बहुत जल्दी जॉब को छोड़ने वाला भी हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग के ही माध्यम से। जी सर, क्योंकि मेरा पैसन है नेटवर्क मार्केटिंग करना, मुझे बेटा और भी कुछ अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल 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 ठीक है, बस इसी तरह सुधीर सर का सपोर्ट रहेगा तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में पहले बहुत सारी कंपनी में भी किया हूँ, लेकिन आप जो बताए हैं सिखाए हैं वो चीज पे अमल किया हूँ तो मुझे बहुत अच्छा सक्सेस मिला है। इनकम भी अच्छी हो रही है, बस थोड़ा और बढ़ जाएगा तो मैं जॉब को छोड़ दूंगा सर। ठीक है, क्योंकि मेरा पैसन है नेटवर्क मार्केटिंग करना। थैंक यू सर। ओके थैंक यू वेरी मच। मैं चाहता हूं कि अभी जो आप ये जॉब छोड़ने वाले हो, कब तक छोड़ सकते हो? जो आपने बोला कि जॉब मुझे छोड़ना है, और क्यों जी छोड़ना है उसका भी रीजन चाहिए मुझे। अच्छा सर, आपकी आवाज कट गई थोड़ा, फिर से। अभी जैसे आप बोले कि मुझे जॉब छोड़ना है, तो
तो क्यों छोड़ना चाहते हो, रीजन क्या है छोड़ने का, और उसके बाद ये कब तक आप छोड़ोगे, क्या होगा जो आप छोड़ोगे। दो रीजन है, रीजन मतलब दोनों बताना है आपको। जी सर बिल्कुल। सबसे पहले मुझे जॉब छोड़ देना है। इसका रीजन ये है कि मैं यहाँ एक कटघरे में खड़ा हूँ और यहाँ से वो चीज हासिल नहीं कर सकते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग से हासिल कर सकते हैं, और जॉब पे रहने से फुल टाइम मैं नहीं दे पाता हूँ फुल टाइम इसलिए। देने और का क्या रीजन है, जी सर, फुल टाइम देने का क्या रीजन सर आपकी कभी कभी वॉइस ब्रेक हो जा रही है। है। अच्छा, मैं चाहूंगा एक बार जो है हमारे कोस महाशय, आप थोड़ा सा जल्दी हाँ में, कि आवाज जो है मेरा क्लियर है कि ऐसे ही कुछ हो रहा है। या मेरे तरफ नहीं, भी आपका सभी वो हो सकता क्लियर है। है सर, सर के यहाँ पे नेटवर्क में इशू हो सकता है सर। ओके, जी, मेरे तरफ से भी कभी कभी होता है सर, क्योंकि यहाँ वाई फाई कनेक्ट रहता है तो कभी कभी वॉइस नहीं आता है। जी सर, तो एक कोई बार बात नहीं। रिपीट कीजिए आप। हाँ, जैसा जो समय है ना आपका, मान लीजिए कि आप जो है इस जॉब को क्यों छोड़ना चाहते हैं, आपने बता दिया, वो मुझे तो सुनाई दिया कि यहाँ पे अगर देखा जाए जो आप चाहते हो वो आप जॉब से नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब जी जैसे आप अगर मान लो आप फुल टाइम करना चाहते हो, उसका रीजन क्या है फुल टाइम करने का, उसमें क्या फायदा है, फुल टाइम करने का फायदा क्या है। फुल टाइम करने का सर, क्योंकि इसमें फुल टाइम करने से और नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए फुल टाइम करने से और इनकम बढ़ेगी सर, और टीम जो है उनका सपोर्ट कर पाऊंगा, जो भी अभी टीम है हमारी उनको टाइम दे पाऊंगा, क्योंकि जॉब पे बिजी रहने के कारण कभी कॉल्स आते हैं तो मैं रिसीव कर नहीं पाता हूँ, है ना। और टाइमिंग भी ऐसा है जो मेरा सेटलमेंट अच्छा नहीं हो पाता है, दिन में 2 बजे से 11 बजे रात तक, तो इसके वजह से मुझे जो टाइम है वो नहीं दे पाता, क्योंकि मेन जो टाइम रहता है इवनिंग का ही रहता है और वही टाइम मेरे पास लॉक है, इसलिए मुझे ये जॉब छोड़ना है। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। मेन बात है कि टाइम, यहाँ पे भी टाइम है कि अगर मैं फुल टाइम दे रहा हूँ, और फुल टाइम कहाँ पे दूंगा, अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं झारखंड से हूँ, मैं बेंगलोर पे रहता हूँ, और जिस तरह से जो ये हमारे इम्तियाज सर हैं जॉब के लिए जो है गए हैं हैदराबाद, लेकिन क्या है टाइम अभी लोगों को नहीं दे पाएंगे, तो जाहिर सी बात है हम जब नॉलेज लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, और कौन लोग होंगे वो लोग जो अपने साथ आए हुए हैं, उसको अगर हम टाइम नहीं देते हैं, उसको जानकारी नहीं देंगे, तो हमारा बिजनेस जो है ना स्पीड से ग्रोथ नहीं करेगा। एक बार अगर हम टाइम देना चालू कर दिया अपने लोगों को, तो कहीं ना कहीं सब लोग, किसके पास ऐसा नहीं कि 5 10 10 लोग नहीं होंगे, 5 से 10 लोग किसके पास नहीं, सबके पास है। और उसी तरह से टाइम अगर देते रहे ना सबको, सबको जानकारी देते रहेंगे, तो आपका जो बिजनेस है बहुत स्पीड में ग्रोथ करेगा। नॉलेज ही इंपॉर्टेंट है, जितना हम नॉलेज दे सकते हैं पहले तो अपने आप में लेना है, फिर उसके बाद हमें देना है, तो जितना जल्दी दे सकेंगे उतना जल्दी जो है हमारा बिजनेस ग्रोथ। थैंक यू वेरी मच सर, जो आपने समय थैंक यू दिया। सर, थैंक यू अनम्यूट करने के लिए, थैंक यू सर। नेक्स्ट नेक्स्ट एंड नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, टाइम पहले देख लेते हैं नेक्स्ट, और 4 मिनट है यहाँ पे, दोबारा फीडबैक क्लियर कर दे रहा हूँ, जो सबसे पहले हैंडराइज करेगा उसी को जो है ये मौका मिलेगा, हैंडराइज फॉर फर्स्ट, जो पहले हैंडराइज करेगा उनको मौका मिलेगा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का और बात करने का। तो कोई नहीं है, जितेंद्र सर, जितेंद्र मातो सर, वेलकम सर, नमस्कार सर जी। सर आज बहुत ज्यादा ब्रेक कर रहा है, अब बिल्कुल ही आवाज नहीं आ रहा है आपका। नहीं आ रहा है, माफी चाहेंगे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बात जरूर करेंगे, अभी बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा है। नेक्स्ट विनय कुमार सर, वेलकम सर, और कोई है, विनय सर का भी हैंड मैंने, थैंक ओके, अभी आवाज क्लियर है, वेलकम। यू सर। उस समय सर ये फोन आ गया था इसीलिए नहीं उठा पाए, उठाए तो उसको कट गया। सर ओके, जी जी बताइए। सर ये दिलीप कुमार के माध्यम से हम जुड़े थे, दिलीप जी जी कुमार पंडित के माध्यम से हम जुड़े थे, और हम ये मध्य प्रदेश में एमपी पुलिस में जॉब कर रहे हैं। अच्छा जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। पुलिस विभाग तो आप सर जान ही रहे हैं,
कभी हाँ टाइम मिलता है कभी नहीं मिलता। अभी तो अभी हमें एक मैं नोटिस आपसे पे ही है। एक ही चीज चाहूंगा कि आज के लिए, कि आज इस मीटिंग में अटेंड करके आपको क्या चीज बेहतर लगा? सर ऐसा है कि दिलीप हमको फोन किया था सर, पर हुँ। हम मीटिंग में नहीं आ पाए। वो फोन आ गया उधर लग गए तो हुँ। हम मीटिंग नहीं सुन पाए। एक तो जब वो फोन काटे तब आपका फिर आप उधर से ठीक किए तो उसको रिसीव किए पर फिर कट गया, फिर आवाजें नहीं आने लगा। फिर मोबाइल ऑफ किए फिर चालू किए तब अभी अभी आवाज क्लियर आ रहा है। कोई बात नहीं, वीडियो मीटिंग को जो पूरा है नहीं सुन अपडेट पाए। का मतलब यह है कि हर दिन जो भी जानकारी दिया जाता है टाइम निकाल के उसको हमें पूरा करना है, कोई भी स्थिति हो। जी ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर आप बिजी हैं और जैसा आपने बताया पुलिस सर विभाग में हैं, फिर कोशिश भी अगर आप इस सिस्टम को समझ पा रहे, इतना मैं आपसे चाहूंगा एक बार, देखिए कब से कर, मैंने ये जो जॉब है आप कब से कर रहे हैं? लगभग हम 2014 में ज्वाइन किए थे, लगभग एक 10 2016, साल हुए 2024, ज्वाइन 10 साल हो रहा है, तो 10 साल किए। के ऊपर जो आपको एक्सपीरियंस मिला, ठीक है, जो भी जी आपका सैलरी है, सैलरी जितना भी हो वो बात की बात है, लेकिन ये जी सिस्टम जी आपको जो है, इस सिस्टम में आकर कैसा लग रहा है आपको? हमको ऐसे सर नेटवर्क मार्केटिंग 2-3 को जगह हम जुड़े थे पर वो जुड़ने के बाद वो बंद हो गई। अच्छा, ऐसा भी तो नहीं ये बड़ी जितना तकलीफ लगाए वाली थे वो बात भी है ना। पैसा हाँ चला गया, हाँ पर तो आपको हमको इस शुरू बिजनेस से में क्या भी लग रहा है, इस बिजनेस नेटवर्क में, इस बिजनेस में क्या लग रहा है आपको? इसमें हमको शुरू भी च्वाइस था कि कोई ऐसा हो जो और जुड़े थे रिचार्ज के माध्यम से, तो कोई दोस्त था वही जुड़वाए थे तो रिचार्ज भी उसमें करते थे, वो भी यही करने लगा। फिर अब पैसा भेजो उसके बाद हम यहाँ से पैसा भेजेंगे उसके बाद आप रिचार्ज करो, तो वो फिर बंद कर दिए। वो बंद के लिए उसमें जोड़ना ही नहीं है। तो अब ज्यादा च्वाइस रहता है नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि रिचार्ज कहाँ सुविधा मिले कम पैसा लगे। और वैसे बिजली बिल ये रिचार्ज वाला तो 3-4 मोबाइल तो था ही घर में, है ही, तो हमको ज्यादा रिचार्ज के माध्यम के लिए हम नेटवर्क में जुड़े थे। तो हमको दिलीप जी हमको बताए थे कि भैया ऐसे ऐसे है तो आप भी जुड़ जाइए, तो बोले ठीक है कहीं रिचार्ज करते हैं अच्छा, कोई भैया ऐसे भी फोन पे आपसे एक बार बात करते हुआ था हैं। ना, एक हाँ बार सर जो वो रात में ड्यूटी हुआ दे रहे था, थे। पर उस हाँ दिन हाँ चलिए चलिए आप। रात में जो रात में सर बात जो हुआ था, पर उस दिन मेरा एक दोस्त है पांडे जी है, इलाहाबाद के जबलपुर से इलाहाबाद ले जा रहा था मूर्ति, उसी को ट्रेन पे चढ़ना था, उसीलिए आपको टाइम नहीं मिल पा रहा बात करने के लिए। चलिए, वो तो इसमें लग रहा है कुछ होगा, या कुछ ऐसा डाउट है कुछ बहुत जैसे? बहुत सर जहां तक हमको टाइम मिल रहा कोशिश कर रहे हैं कि अब पुलिस विभाग है सर क्या जानिए रहे हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब टाइम मिलता है कोशिश करते हैं कि हम मीटिंग सुने। 2-4-5 को यहाँ भी ड्यूटी करते बताए थे, पर वो बोला अच्छा इसको देखेंगे बाद में, लेकिन देखेंगे बाद में नहीं इसको देखिए, कम से कम घर में रिचार्ज तो करेंगे उसमें ही बचत आएगा। अच्छा, अभी पैसा का प्रॉब्लम है ठीक है, तब चलिए जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, उसका मन होगा तब इच्छा होगा तब तो सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। विश्वास ही इम्पोर्टेंट होता है, और उसी विश्वास के साथ अगर हम काम करते हैं ना, जब विश्वास हो जाएगा, मैं एक बार जो है चाहूंगा जितने लोगों को भी आवाज आ रहे हैं, कंपनी के ऊपर कितना लोगों को विश्वास है, 100%, 0. मतलब 0.1% भी विश्वास ना हो ना, वो बिल्कुल हेडलाइट मत कीजिएगा, बिल्कुल नहीं। जिसको 100% 100% 100% विश्वास है, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा कि आपको हैंडाइज करना है। जिसको 100% विश्वास है कि हाँ कंपनी मुझे जो है, इस कंपनी से मैं करोड़पति बनूंगा, मेरे सपने पूरा करूंगा, जो भी मैं चाहा हूँ वो हासिल करूंगा, कितने लोग हैं अपने मनमर्जी से? बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी स्टडी वगैरह कर रहे हैं, काम थोड़ा सा जो है होता है ना, अगर 100% विश्वास होगा ना, तो आपका काम का रफ्तार ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखिए, अगर देखा जाए 80% लोग हैंडराइज के हैं, 80% मायने रखता है। आप वो जो विश्वास जो आप बोल रहे हो ना, भी हैंडराइज करके, ये विश्वास दिल में खाली आप रख लीजिए कि हाँ यहाँ पे मैं सक्सेस हो सकता हूँ और मेरे लोगों को सक्सेस कर सकता हूँ। जिसको बोलोगे कोई आपको मना नहीं करेगा, 100% नहीं मना करेगा, क्योंकि प्लान में सब कुछ है हमारा। ठीक है, अब देखिए 90% तक हो चुके हैं हैंडराइज, बहुत बढ़िया।
तो ये विश्वास बनाकर आप काम करते रहे, आगे बढ़ते रहे, 100% जो है आपके भी सपने पूरे होंगे, और आपके साथ साथ जो है जो भी आपके साथ आएंगे, जिसको भी आप अपने साथ लाएंगे उसका भी फायदा। तो चलिए मिलते हैं 8 बजे प्लान प्रेजेंटेशन मीटिंग में आज, क्योंकि हमारा स्पेशल मीटिंग संडे स्पेशल हमारे मालम सिंह सर लेने वाले हैं, तो स्पेशली ज्यादा से ज्यादा अभी से कॉलिंग करना चालू कर दिए। आज का मीटिंग का कोई मकसद नहीं बनता है अगर आज के मीटिंग में हम आज की मीटिंग को अगर अप्लाई नहीं करते हैं, तो अभी से जो है प्रमोशन करना चालू कीजिए। 10 से 15 मिनट में मैं प्रमोशन का मैसेज आप तक पहुंचा दूंगा, और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन करें और कॉल पे भी बात करें कि आज जो है हमारे मालम सर का मीटिंग है, और कहीं ना कहीं डायमंड स्टार हैं और अच्छे लेवल पे हैं, करीबन 2.5 से 3 लाख का इनकम कर रहे हैं, उससे प्लस का इनकम, 3 लाख से प्लस का इनकम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वो अगर 3 लाख का इनकम कर रहे हैं ना, तो वही बताएगा कि आप कैसे पहुंच सकते हो। तो चलिए मिलते हैं 8 बजे, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत, जय सेवर गोल्डन। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।